कम से कम एक घंटे तक इतने मुझसे बात ना करे। मैं भूल रही हूँ अभी। मैं थोड़े दिन यहाँ पे धूप में रहना चाहती हूँ। क्या है छाव है वहाँ पे, धूप नहीं है। देखो शर्म आती है। लोग अभी बाहर आए थे, हम मींस मैं और के, इसका मूड थोड़ा सा ऑफ था तो मैंने बोला कि चल, इसको पसंद है शॉपिंग तो मैंने बोला चलते हैं यार। मैं भी अगर टाइम नहीं बोला, मैंने खुद बोला। हाँ मैं भी एजेंट से कुछ खरीद लूंगा। आई आल्सो वांट टू बाय समथिंग। कट कर देंगे वहां से। यार आगे से गाड़ी की पार्किंग ही है ना, क्योंकि वहां से उधर जाने का रास्ता है। आई नो दैट। मैं आपको बताऊं क्या चीज है, मैं लास्ट टाइम यही देखा था कि वहां से तो खुला हुआ है, बट अब देखो आप यहां से लेफ्ट लेंगे ना तो इल्यूजन दिखेगा आपको। क्या क्रेजी चीज नहीं करे, मतलब यहाँ पे दो यू टर्न है बट हमें उस रास्ते के साइड पे जाना है मेरे ख्याल से। अरे तो यहाँ पे लो नहीं है, राइट है नहीं गंगन, ये तो सामने से हम देख रहे थे, तो ब्लॉक क्या है, देख रहे हो आप लोग इसको सारा। और गाइस क्या हाल चाल, व्हाट्सअप, दिन बढ़िया चल रहा है मेरा तो, बहुत गर्म वाला दिन जा रहा है। अरे बंद हो गया, हीट ओवर हीटिंग। हमें मॉल का रास्ता ही नहीं मिल रहा। मॉल का रास्ता मिल जाएगा, थोड़ा दिल से जाओ शॉपिंग, थोड़ी दिल से करने ही जाओ, पूरा नहीं चाहते मुझे। आई लव शॉपिंग, शॉपिंग इज माय ओनली हॉबी। हॉबी पूछते हैं, डांसिंग होती है, सिंगिंग होती है, मेरी शॉपिंग है, करा लो। हमारी क्रिकेट है। आईफोन 13 से कर ले, 13 प्रो। हाँ हाँ कर लो, शॉप कर लेते हैं गाइस, बाय बाय। इससे तो करूंगा ही नहीं आज। हम यूज कर रहे हैं 13 प्रो आज, और वो बहुत ही ज्यादा ठंडा रहता है, गर्मी में भी वो बहुत ठंडा रहता है, लाइक हर। एक्सक्यूज मी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे रैंडे, ये किसने सिखाया? यार मेरा फोन कितना कॉम्पैक्ट सा लग रहा है ना, क्यूट सा, छोटू सा, लाइक इट इज मेंट टू बी ओवर हियर। और कैसा लग रहा है स्मार्ट लड़के के साथ घूम के? मत आना, अब मत आओ। अच्छा तो लगता होगा ना। बिहेव प्लीज, बिहेव। भैया मॉल की एंट्री कहाँ से हो गई थी यार तू? तो फिर चलो चलते हैं फिर ऊपर। अगर आप केतन के फ्रेंड हो ना और आपका मूड सही नहीं है, केतन आपको कभी नहीं बनाएगा, आपको खुद मान जाना पड़ेगा। आई डोंट नो यू गाइस, हम हमेशा ही कहीं फंस जाते हैं। ये बहुत शेडी लग रहा है, कहाँ पे आ गए हम लोग? मेट्रो स्टेशन है ये बहुत ही बुरा मॉल है। केतन आई थिंक आई एम ऑलरेडी डन, मुझे घर जाना है, मुझे मेरे घर जाना, मुझे घर जाना। अरे दो यार, मैं तो ब्लॉक करूंगा। दिस इज द स्टोर, आ जाओ चलते हैं। मेट्रो ये रहा, H&M era. Nice. It's a quite pretty big store and यहाँ से अब पहले कपड़े से शुरुआत हो चुकी है इसकी, एंड यहाँ से जाएगी आखिरी लेन तो आगे से लेफ्ट भी जाएगा, सो मेन सेक्शन में वहाँ से मैं भी देखूँ अगर कोई अच्छा समर प्रिंट मिला तो। हम लोग यहाँ से पूरा घूम घूम के ऐसे हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। Also by the way, one thing I've realized, आज है Friday. It clearly says 70% sale और इसके दोनों हाथ से ये देख रहे हो रहे, कुछ मिस ना हो जाए। यार वहाँ पे मेन्स कलेक्शन कितना प्यारा लग रहा है वो। ये नैपकिन लग रहा है पता है सही में। सो अभी के गई है वुमेन्स फिटिंग रूम में, एंड मैं अपने कुछ टी शर्ट वगैरह ढूंढ रहा था। आई गॉट फ्यू कलर जो मेरे पास नहीं है, एंड आई एम बाइंग दीज, अच्छे लग रहे हैं। अब आए हैं तो कुछ खरीद के जाते हैं। मैं ना उधर सीधे डायरेक्शन में जा रही हूँ। ये दो कपड़े मैंने लिए, अभी भी इसकी शॉपिंग खत्म नहीं हो रही है। मैं स्पेशलिस्ट को बोला कि ये वुमेन सेक्शन है, यहाँ पे क्यों खरीदूंगा मैं, हो गई मेरी शॉपिंग खत्म। ध्यान से देखिए सर को, मुझे शॉपिंग करनी थी, ये मेरी शॉपिंग है। कोई नहीं समझ रहा आपकी फीलिंग को, समझ रहे हैं वो। इसलिए केतन आप तो मुझसे बात ही ना करें, कम से कम एक घंटे तक केतन मुझसे बात ना करे। मैं भूल रही हूँ अभी। मैं थोड़े दिन यहाँ पे धूप में रहना चाहती हूँ। क्या है छाव है वहाँ पे, धूप नहीं है। देखो शर्म आती है। अरे तो एजेंट ने नहीं दिए कपड़े, उसे हम क्या करें? मैं जा रही हूँ, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। सब गुस्सा करते हैं, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। सो अभी कुछ खाने के लिए जा रहे हैं हम लोग, वेंडीज है यहाँ पे। आई एम एक्चुअली एक्साइटेड अबाउट फूड ओनली, क्योंकि सिर्फ फूड कैन गिव मी प्योर हैप्पीनेस। किसको दिखा रहा है तू? कैमरा पकड़ना भूल गया। आता है सब ठीक है, फ्रेम में आ रहा है, स्क्रीन दिख नहीं रही। हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट? मैं सोच रहा था मैं शूट करूँ, बट मेरे को लगा कि चलो है हमारे पास एक कैमरा वूमेन तो वो कर लेगी।
इसका दिन ही खराब है, इसको घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए था, बट आज निकल गई है तो गाइस आई एम क्राइंग इन द कॉर्नर। उधर है कोना, उधर है, वो रहा जस्ट हेल्पिंग आउट। हां ये है मेरे पास, इसके पास नहीं है। फिर नेक्स्ट टाइम गाइस। लोग इतना ज्यादा शो ऑफ करते हैं ना, बता नहीं सकते आप लोगों को। कह रहे हैं शॉपिंग वाले कपड़े पीछे रख देता हूँ, अगर आगे दो लोग बैठेंगे तो बैठे नहीं गिरेंगे। This is फ्लैश बंद कर लिया, मेरे पैसे खत्म हो गए शॉपिंग होगी तो। नहीं नहीं वो तो बेकार की बात है, ये मिलियन व्यूज वालों के पैसे कभी खत्म नहीं होते। मेहनत नहीं करी क्या? मिलियन वैसे हम उड़ गए हैं। सही यार, सब लोगों का अपना अपना है, स्ट्रगल देखते हैं। एक तो चॉकलेट निकलनी चाहिए एटलीस्ट। मिल गई एक, गाइस मैंने ना केतन के लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान करा है, ही इज गेटिंग वेरी एंशियस टू नो, आई एम मोर ओवर क्यूरियस कि क्या हो रहा है, बट तब से पता केतन का गेम्स में ध्यान ही नहीं लग रहा है। 20 मिनट्स लेटर चेंज भी कर लिया, रेडी, बट अभी सरप्राइज को टाइम है। गाइस इसको आप सरप्राइज प्लान कर रहे हो ना, तो आपसे ज्यादा मतलब डरा हुआ नर्वस ये होगा। कहाँ पे है कैफे? This is your surprise. चले? चलो। और मैंने केतन के लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान करा है, और उसके लिए भी केतन नर्वस हो रहा है। मेरे को नहीं पसंद आता है। हाँ सो गाइस, आप लोग जो अभी फुटेज देख रहे हो वो के ने मुझे सरप्राइज दिया था, बहुत ही प्यारा सेटअप करा था, वो ट्री के अलोंग साइड वहाँ पे सर्कल एंड ऑल, मतलब बहुत ही बढ़िया था एक्चुअली। वहाँ पे जो ब्लैक बोर्ड आपने देखा 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए कांग्रेचुलेशंस लिखा हुआ था, बट हम लोग यहाँ पे कुछ ज्यादा शूट नहीं कर रहे, वी एंजॉयड अ लॉट एंड आई एक्चुअली वांटेड टू हिट दिस माइलस्टोन बैडली, क्योंकि 11 लाख में बहुत टाइम सेट किए हुए थे, पूरे साल अप्रोक्सीमेटली हो गया था, बट नाउ हियर वी आर सिटिंग ऑन 12 लाख सब्सक्राइबर्स। तो चलो गाइस कोई नहीं, मिलते हैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में, ख्याल रखें अपना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड कल हमारा क्रिकेट ब्लॉग अपलोड होगा चैनल पे मंडे और ट्यूजडे। बाय, टेक केयर, पीस आउट। आज इसका दिन अब यहाँ से अच्छा चलना शुरू हो चुका है।